है टू फ्रॉम बोली तेरे प्यार में करीना कपूर का गाना, और एक है 1 2 3 4 फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शाहरुख खान का गाना। सो दोनों बहुत पेपी गाने थे, मैंने परफॉर्म किया और थोड़ी सी गलतियाँ भी कर दी, लेकिन स्टेज बहुत डिफिकल्ट था तो कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चला, सो आई एम हैप्पी। कुछ गलती नहीं हुई, मुझे पता नहीं था मुझे स्टेज पे जाना कहाँ है, बहुत सारे लड़के थे तो मैं कहीं और ही चली गई, बट देन आई कोप्ड अप, यू नो हाउ गुड आई एम। 8 लोग थे, थैंकफुली कहा गया था कि कलर्स के सबसे फेवरेट स्टार्स साथ में परफॉर्म कर रहे, तो हम सब बहुत खुश थे जो 8 लोग परफॉर्म करने गए थे। इट वॉज मी, इट वॉज आशिका, श्वेता तिवारी, आरती छाबड़िया, मनीष, जय सोनी, रिनाल जैन एंड हु एल्स वॉज देयर, आई फॉरगॉट, हाँ विविन डिसेना, सॉरी। आरती ने डांस किया, आरती अभी भी डांस कर रहे थे। जल्द फिलहाल आई एम डूइंग बिग बंगाली आर्ट फिल्म, आई हैव जस्ट साइंड इट, तो उसकी शूटिंग फेब्रुवरी में है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बीइंग अ बंगाली मुझे एक बंगाली फिल्म करने का मौका मिल रहा है। और उसके बाद मैं एक्चुअली अभी सब कुछ रिवील नहीं कर सकती, इतना बता रही हूँ, इट्स एन आर्ट फिल्म एंड इट्स अ कम्प्लीटली वुमन ओरिएंटेड स्टोरी, तो दैट वन वुमन इज़ मी इन द फिल्म एंड देर आर वेरी बिग एक्टर्स विद मी, तो आई कॉन्ट रिवील देयर नेम्स राइट नाउ। और एज अ बंगाली मुझे बंगाली फिल्म करने का मौका मिला है तो आई एम वेरी हैप्पी, जिसके लिए मैं फेब्रुवरी में शूट कर रही हूँ, और उसके बाद देखते हैं, होपफुली जल्दी वापस आऊँगी मैं टेलीविजन पे। आई थिंक कलर्स एक ऐसा चैनल है जिस पे लोगों को बहुत बरकत मिलती है, लाइक मैंने कलर्स पे बालिका भी कर लिया है, झलक भी कर लिया है, किचन चैंपियन भी कर लिया है, बिग बॉस भी कर लिया है, सो आई फील इट्स द मोस्ट ग्रेटेस्ट चैनल वन कैन बी अ पार्ट ऑफ। और हाँ, बालिका एक बहुत बड़ा शो है, हर एक एक्टर हमारी इंडस्ट्री में जो हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री में है वो बालिका का पार्ट होने के लिए यू नो बहुत होप करता है, सो आई थिंक आई एम द लकीस्ट के आई हैव बीन द ओल्डेस्ट आनंदी एवर फॉर 3 ईयर्स।